110% सच्चे। हम सोचते ही गाड़ियों के बारे में, लड़कियों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हम। ये लड़कियों की मतलब गलत फहमी है कि हम उनके बारे में सोचते हैं, हम सोचते सिर्फ गाड़ियों के बारे में। आपकी बात सही है कि लड़के जो है ज़्यादातर सोचते भी गाड़ी के बारे में, ख्वाबों में भी जो है सिर्फ गाड़ियाँ ही आती हैं। मैंने लास्ट कार में मार्केट से देखी थी, उनकी गाड़ी बहुत खूबसूरत बनाई उन्होंने, प्रोजेक्ट कार की है। तो ज़्यादा ड्रीम्स जो हैं कार से आते हैं, और आते हैं गर्ल्स के भी, लेकिन उस हद तक नहीं। अच्छा ये बताएं कि आखिरी मरतबा आपने कौन सी गाड़ी देखी थी? निसान लीटिया। आने से पहले तो सबसे पहले अपनी गाड़ी को चेक करता हूँ, वो धुली हुई है, फिर मैं जाके नहाता हूँ। और मुझे ख्वाब भी ज़्यादातर गाड़ी के बारे में आते हैं, क्योंकि मुझे गाड़ी के एक क्रेज़ होता है जी। मेरे ख्वाबों में जो गाड़ी आई थी वो सुप्रा आई थी। सुप्रा मतलब बस जब भी सोता सुप्रा के बारे में, और सोचता भी मैं ज़्यादातर सुप्रा के बारे में। बंदा खुद गंदा रह सकता है लेकिन अपनी गाड़ी को कभी गंदी नहीं करता है। गाड़ी से मोहब्बत ये होती है कि भाई रात को अगर उसकी कोई चीज़ भी ख़राब हो जाए ना तो नींद उड़ जाती है सारी। तो भाई गाड़ियाँ गाड़ियाँ लव है हर बॉयज़ की, जितने भी जनरेशन ऐसा है अभी नया जो जनरेशन है सबके जो लव है ना वो गाड़ियाँ है। ये गाड़ी मैंने खुद बनाई है, मेरी खुद ये गाड़ी एक चीज़ ख़राब हो जाती है तो मेरे को दो दिन नींद नहीं आती है जब तक इसको ठीक नहीं कराता हूँ। और साफ़ सुथरी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है इसके अंदर। उसके बाद आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि नौजवानों को, खास तौर पे लड़कों को, किस हद तक अपनी गाड़ियों से मोहब्बत है और वो किस हद तक गाड़ियों के हवाले से सोचते हैं। तो नौजवानों का यही कहना है कि गाड़ियों के हवाले में से सोचते भी हैं और ख्वाब भी गाड़ियों के आते हैं, और जब तक इन ख्वाबों को ताबीर नहीं मिल जाती तब तक इस तरह के ख्वाब आते रहते हैं। इसी के साथ हमें